उसमें कम से कम भी 25-30 पेड़ जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं मिस्टर आर के मीणा जी, उन्होंने बिना किसी कारण के, बिना कोई स्वीकृति लिए, अभी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कटवा दिए। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। क्लर्क साहब के पास आया हूँ आज, GC1 स्कूल है CRPF की जो है फर्स्ट नंबर, उसमें कम से कम भी 25-30 पेड़ जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं मिस्टर आर के मीणा जी, उन्होंने बिना किसी कारण के, बिना कोई स्वीकृति लिए, अभी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कटवा दिए। मैं पर्यावरण प्रेमी हूं और इस पर्यावरण के बारे में विशेष रूप से सजग रहता हूं, इसलिए मैंने DFO साहब को भी इसके बारे में सूचना दी है, उनके DIG साहब को भी मैंने सूचना दी है, कलेक्टर साहब को भी आज मैं ज्ञापन देने आया हूं। तो ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार कहती है कि अगर किसी भी हालत में पेड़ नहीं उखाड़ने चाहिए और पेड़ को उखाड़ना भी पड़े तो उसको रिस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में 40-40, 50-50 साल पुराने पेड़ों को बिना किसी कारण के कटवा दिया और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाया है, तो ऐसे आदमी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, ये न्यायोचित है। नाम बताइए। सत्यनारायण हवा, एडवोकेट हूँ मैं।